जय माता। नमस्कार साथियों, जय माता दी। पांच प्रमुख बड़ी बातें जिनकी वजह से देवी जी वायरल हुई हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, मैं आपको बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि भारत में हमारे यहाँ नवरात्र बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इसी धूमधाम के साथ हमारे नरसिंहपुर में भी ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है। अब आप अभी हाल ही में ये देख रहे हैं कि नरसिंहपुर की एक देवी जी बरहटा में जो विराजमान है, सुंदर कलाकृति पवन प्रजापति द्वारा जो बना दी है, उसकी चर्चाएँ काफ़ी लोकप्रिय हो गई हैं और वो दूर दूर तक जो है उसकी पहुंच हो गई है। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ पांच ऐसी विशेष बातें बताने वाला हूं जिसकी वजह से जो है वो देवी जितनी वायरल हो गई है। फैक्ट नंबर वन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बरहटा जो गांव है वो एक ग्रामीण क्षेत्र है जो नरसिंहपुर से 25 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर ना तो उतनी ज़्यादा सुविधाएँ हैं ना ही इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बाद भी इस मूर्ति के कारण ये अभी हाल ही में सुर्खियों में चर्चाओं में आ गया है। फैक्ट नंबर टू, इस मूर्ति को बनाने वाले कलाकार का नाम है पवन प्रजापति, जो कि हर्रई के निवासी हैं। इन्होंने दो मूर्तियां बनाई हैं, एक मूर्ति नरसिंहपुर में है और दूसरी मूर्ति सिवनी में विराजमान है, और नरसिंहपुर की मूर्ति इतनी वायरल हुई है कि लोग दूर दूर से यहां पर दर्शनार्थी आ रहे हैं। फैक्ट नंबर थ्री, वायरल होने का सबसे बड़ी कारण ये है कि इस मूर्ति को डिज़ाइन करते समय इसका स्माइलिंग फेस, मतलब कि फ़ोटो में इतना अट्रैक्टिव फेस आया हुआ है कि लोगों को आकर्षण अपने आप आ रहा है। फैक्ट नंबर फोर ये है कि इसकी और वायरल होने की वजह ये है कि लोगों ने अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाए हुए हैं। एक्चुअल में जब फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो फ़ोटो क्लिक करते टाइम इतनी शानदार फ़ोटो क्लिक की है जिससे इस माता जी का वायरल होने का कारण बन गया है। अब फैक्ट नंबर फाइव ये है कि वायरल होने के बाद जो है वो देवी जी में श्रद्धालु दर्शनार्थी बढ़ गए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ऑल मध्य प्रदेश या इंडिया में और कहीं माता जी नहीं है? है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब वायरल कोई चीज़ हो जाती है तो हमारे अंदर दर्शन के भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि हम वही चीज़ देखेंगे। तो दोस्तों ये पांच कुछ प्रमुख वजह मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर आपको कोई अन्य वजह लगती हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, लास्ट में मैं पूरा क्रेडिट इस देवी जी के वायरल होने का उस कलाकार को दूंगा जिन्होंने इतनी मनमोहक मूर्ति बनाई है, और आए दिन भारतवर्ष में कलाकारों की जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया ने एक कलाकार का नाम उछाला जिसका नाम है पवन प्रजापति जी, माता रानी उस पर अपनी विशेष अनुकंपा बनाए रखें और उसके लिए उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखें, दोस्तों में भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी